हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं चौहान वाइन्स से न्यू वीडियो, द हेल्पर। चौहान वाइन्स न्यू वीडियो, लीलू न्यू वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एंड हेल्पर, कैसा हेल्पर, किस चीज़ का हेल्पर, किस काम में हेल्प करने वाला, वो हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओ भाई, क्या करने जा रहे हैं ये नीरज भैया, यमदूत। इसकी हालत देखकर लग रहा है पंखे की अंतर वजन थाम ले गए हो। अबे इंगे देख, अंधे भटिंग है, इंगे देख, नीचे ढूंढ रहा मैं कीड़ा मकोड़ा घूर है। तू कौन है भाई? मैं कोई नहीं हूं, मैं तेरे अंदर ही हूं। मेरे अंदर? उसकी समझ में आई तो ठीक, नहीं तो अपनी माँ चुदा, फिर मेरे मुंह तो फर्क नहीं पड़ता। मैं मरू ना, इस मतलब दुनिया में जिंदा रहूं। पान खाए मुनिया, माँ चुदाए दुनिया, तेरे ठेका ठाया सबका, दुनिया 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 करके लगाई। अरे तू ना समझना का इस मर्द का दर्द। क्या हो गया भाई, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही ज्यादातर? अबे ज्ञान की एक बात कहूं, बात कहूं मैं मोटी, हर मर्द की दो ही समस्या है, घर बड़ा और गुफा छोटी। आई समझ में? तुझे भी यही दर्द होगा, तू क्या कोई अनोखा है? बताता बता, नहीं तो अपने ऐसी मरा। चल चल तो। हाँ चल। लौटा। अबे राम। बताओ बच्चा, क्या खड़ा वाल है? ये क्या रेनकोट सा पहन रखा भैया ने? बहुत परेशान हूँ मैं इस टाइम पे, सब फायदा उठा रहे, स्कूल में भी मेरा शोषण हो रहा। शोषण? अबे यौन शोषण ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो पता क्या दिक्कत है फिर? ले तो सुन। ओ हो, बोला कहिए रे साले, बहुत राम जी लग रहे तुझे है ना? ले पकड़ जा, काम पूरा करके ले हमारा सांझ को, और जो मास्टर को पता चल गई तो तेरी गांड का घूस उगा दूंगा, आगे समझ में ना? ओके, सो ही इज अ नर्ड एंड ये हैं बुली पीपल। तोता उड़ा पिंजरे से पर जा बैठा टांड पे, टैम आण दो तम दंडों ना झुलाया मन्ने भी अपने। ओ भाई कर साले से बकर बकर को मन कर लेकर अन्नी तुझे साले पूरे स्कूल में नंगा करके ना चम्मा बता दिया रहा, सब हाथ में अगर बोल के ना कुछ तो फाड़ दूंगा साले। आ छोटे, अगर लोंडियाओं की मटकती चाल और लोगों की गांड में खड़ा बाल ना होता तो जिंदगी कितनी आसान होती। अच्छा व्यक्ति, इतना दुही कर रहे थे, तन्ने कभी कुछ करने की नहीं सोची? करा, व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पे बहुत एटीट्यूड वाले स्टेटस लगाए मैंने। एटीट्यूड वाले स्टेटस लगाने से किसी की ना फटती, घर जाकर फाड़नी पड़े, आई समझ? पर रहा चक्करों में। अब अगर स्टेटस लगाने से फटती ना सबकी, तो बॉर्डर पर सैनिक अपनी एसटीसी मरवा रहे, सबको घर बुला लो और स्टेटस लगाए जाओ, बंदूक और बम को दे लो छुट्टी ना। सारा एटीट्यूड का समझ नहीं आ रहा स्टेटस होगा। अच्छा उनकी कोई कमजोरी बता भाई। एक नंबर के गंडी दोनों। गंडी?
क्या होगा इस देश का? एक काम कर, रात को सोने पर छापा मारते हैं। तू पागल है क्या? रात को क्या करेंगे? रात को तो सो रहे होंगे यार। मेरे शेर नशेड़ी पिए बिना और गंडी दिए बिना रात को सोए ना करता। साले जागते मिलेंगे वे। चल रात को लाद बांध देंगे उनका। बड़े जल्दी हो, जल्दी हो जो पिछवाड़े पे लगाने हल्दी और कोड़ा हो जाए। जल्दी जल्दी हो। देखा कहता नहीं मैं, अबे मर्द का कमाई से और गंडी का चुदाई से कभी जी नहीं भरता। अब एक प्लान है, फोन है तेरे पे? है। आ वाओ, स्वैग आ गया भाई लौटने में। अरे 4 दिन पहले होमवर्क करने गई थी क्या? नहीं अब लो। मैंने पीली शराब, मेरा गम बांट लो, और नहीं करता होमवर्क मेरा बाल पाट लो। साले एक रैपट में गांड का टर्बो खोल दूंगा। पकड़े हो रजिस्टर, कल दोपहर तक काम पूरा चाहिए। चल निकल। ले भैया इंतजाम हो गया, शॉर्ट आउट। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। गोविंदा सर का डायलॉग। ओ भैया रे, इतना टाइम ना मेरे धर है, तेरे जैसे और भी गंडी मरने उतर यार बैठे। अगली दिक्कत बता दे क्या है, उन्हें भी बचाना जाकर। अरे प्यार उसने जताया मुझे, बोल के प्यारी बोली, अजूतिया काट के चली गई, देखे मीठी गोली। लड़की का चक्कर। ओ भाई इसे मैं आज सुधार दूंगी, इसे ब्रेकअप करके मान लूंगी, मुझे इंस्टाग्राम पे फेमस होना, बस बात खत्म। देखो बाबू, मुझे करना तुमसे ब्रेकअप, बहुत घूम ली मैं एक आग में तुम्हारे साथ, घूम ले लिए मन ने, पर मुझे इंस्टाग्राम पे फेमस होना, मुझे बनना इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बाबू बहुत प्यार करूंगा तुमसे, तू मेरे से दिमाग ना खराब करे, मुझे बिल्कुल ब्रेकअप करना, बस इस बात का ध्यान रखियो। और खाओ ठूस ठूस के। ए राम, ले भाई ये पानी भी नहीं है, भी नहीं है। हगोड़े क्या कर लिया? एक बात है भाई, मर्द प्यार में भटके और कच्चे में गोटे लटके ना होते तो जिंदगी वाकई में बड़ी आसान होती। भैया जो टिश्यू आप ब्लेड पर यूज कर रहे हैं उसको कहीं और यूज कर लेते हैं। हे भगवान। वैसे एक बात बता, तू बाबू सोने करके रह गया कुछ फिर चले काम ना होता? यार तू फालतू की बात ना करे, मैं सोल प्रेमी हूँ, होल प्रेमी नहीं। अगर उससे चुम्मे को भी कह देता ना
तो पता नहीं क्या कह रही थी, ओल्ड मैन डॉग पोक पता ना क्या। बेटे ये ओल्ड मैन और डॉग बोलने वाली लौंडिया ना, एक हल्के से इशारे से डॉगी बन जा। चक्कर में बताऊं बेटे, इस मामले में तू ठुल्लू है, आई समझ में? अबे अबे लौंडिया को ऐसा लमड़ा पसंद आवे जो दिन में हंसाने वाला और रात को रुलाने वाला। रुलाने वाला ना, पहले बताता साले की गुद्दी पीट देता। हाँ भरोसे दी क्या गुद्दी ना, फुद्दी 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 फुद्दी, साले मंद बुद्धि। कहो समझाऊं, चल देखा क्या कर रही हो। तो यही होना चाहिए कि लोकेशन आई थी मेरे पे। हाँ बाबू, तुम्हारे लिए तो मैंने अपना बॉयफ्रेंड भी छोड़ दिया, बस तुम मेरा आज हेलीकॉप्टर बना दो, ताकत दिखा दो आज तुम मुझे अपनी यो पिछली दादी, आ जाओ जल्दी बस। देख ले यार, मैं तो नहीं सोचता था मैं ही लूजर हूँ, और उसे देखे कैसे तेरी लपक गया और मुझे आज लो दी नहीं। बेटे जब किस्मत का बेरा पाट जा तो गर्लफ्रेंड तो छोड़, गंडी भी देने से नाट जा। बात तो ठीक है, पर मेरे तो चुम्मे पे रूच आ गई थी। और मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, जब से अबे गर्लफ्रेंड रूसने वाली ना चूस। खैर छोड़, मरा अपनी ऐसे से खूब, मेरा चला साली की गुद्दी उद्दी और पीट दूँ मैं। बाबू बहुत रगस लग रही, मैं तो बांटे कर दी तुमने बिल्कुल, चला ही नहीं जा रहा। देखियो मेरी ससुरी लंका, यहाँ बना रही तू कच्चा बादाम, यहाँ पिटवा रही अपने बादाम। क्या धक्का, पता क्या करेगा, बाल पड़ेगा मेरा, राम का बच्चा बर्तन ने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करी तो काट के तेरी खिंचवा दूंगी, मेरे से बिल्कुल ना फालतू बोल दिए। और भैया से क्या कह, न्यारा कुटवाऊंगी तुझे, राम का बच्चा बहुत जल्दी डरा मत रहा बिल्कुल भी, इसे तो टांग पर टांग धरका फाड़ दूंगी मैं। बात सही, यो कौन है? बहुत तेरी, वाओ। बताऊंगा पक्के की बात, ये ना दो चीजें इंसान का नाश करते हैं, एक तो बात लुच्ची और इन जैसे की मोटी मोटी। खैर छोड़, आओ तो पता चल गया तेरी गलती नहीं थी, सही साली दगाबाज होती है बहन की लौड़ी। हे भैया कितना खाएंगे और उसके बाद फिर जाके बम के गोले गिराएंगे। कोई दिक्कत हो तो, अरे और तो कुछ भी दिक्कत ना, दिक्कत है बस रिश्तेदार होगी। मैंने बोला महीने में चार बेर आना और घर आकर बैठ जा, नहीं पूछो जा थारे लमटा क्या कर रहा, थारे लमटा क्या कर रहा, फिर वो बाबा मेरी ले। बेटे रिश्तेदार मन के काले और दोस्त भोसड़ी वाले ना होते तो जिंदगी वाक में बहुत आसान होती, आई समझ में? तो रिश्तेदार तो सभी के मादर चौदों हैं, इग्नोर कर बस। अब उस लोंडे के चक्कर में दोबारा रन पड़ गए, ठीक है? अबे सरसों का साग भर के हंडी में घोट ले, अरे ये पांच पांच फुट की साली पूरा 6 इंच का उठ ले। चाय बना, आज मैं चलूंगा। तरबूज खाने के बाद चाय कौन पीता है? पक्का उसी बाबू सोना का मैसेज आ रहा है। मैंने कहा था ना।
दोस्तों यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा लो और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। अबे यार ये क्या हो गया यार, जो हेल्पर हेल्प करने आया था, जो हेल्पर हेल्प करने आया था वही आखिर में उसने खुद ही फांसी खा ली। जो उसको फांसी से बचाने आया था, नीरज भाई को फांसी से बचाने आए थे, वो खुद ही फांसी पर लटक गए, क्योंकि वही बॉलीवुड की घिसी पिटी, वो जो एक मनगढ़ंत तो बना रखी है कि हाँ लड़की हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग जाती है या धोखा देती है बेस्ट फ्रेंड की वजह से, है ना, तो वही वाला, हे भगवान वही वाला सिस्टम। भाई प्लीज़ यार इस तरह से नीचा दिखाना बंद करो सीरियसली यार। मतलब बॉलीवुड ने ना, फिल्मों ने इतना ज़्यादा बुरा बना दिया है बेस्ट फ्रेंड एंड फ्रेंड के रिश्ते को, कि कोई भी जो जेन्युइन बंदा होगा, ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, है ना। सो यार यहाँ पे बेचारा डेविल भी आकर गर्लफ्रेंड के आगे हार गया, एंड ओ माई गॉड सुपर वीडियो थी, सुपर वीडियो भाई। मतलब छोटे छोटे कैमियो थे यहाँ पे, जितने भी टीम मेंबर्स थे उनका छोटा छोटा सा रोल था, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। मेन यहाँ पे सेंटर में इस बार वीडियो में थे नीरज भैया एंड द डेविल लीलू भैया। सो यार बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।